देख रहे हो, आज इसकी भी सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ है। इसके अंदर जो दिखाती है वो रियल होती है कि नहीं होती। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 16.1 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और गाइज आज अपन करने वाले हैं अपनी स्कॉर्पियो का माइलेज टेस्ट। अपनी स्कॉर्पियो S11 मॉडल है और उसका अपन करेंगे माइलेज टेस्ट, ठीक है। अब ये माइलेज टेस्ट मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई माइलेज टेस्ट करने वाला नहीं था, बट मुझे एक अपने सब्सक्राइबर, मतलब मेरे यूट्यूब का एक सब्सक्राइबर का मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM आया। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो के अंदर मैं कहीं डीजल डलवा रहा था शायद, और वहाँ से मैं कहीं मतलब शायद कहीं ट्रिप पर निकल रहा था। तो उस टाइम मैंने बताया कि भाई स्कॉर्पियो ना मतलब 10 का एवरेज देती है, इससे ऊपर देती ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बोला था वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उस भाई ने वो वीडियो कहीं देखी होगी, उसने उसके बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM करा। उस भाई ने कहा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, स्कॉर्पियो ना 10 की एवरेज नहीं देती, 10 से ऊपर एवरेज देती, मतलब उसने मेरे को 15 तक की बोली है कि भाई स्कॉर्पियो ना 15 तक की एवरेज देती है, ठीक है, और 10 की तो मतलब नॉर्मल दे देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई देखो बात ऐसी है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि स्कॉर्पियो भाई 10 का देती है 12 का 15 का कितना देती है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा भाई, मैंने आज तक कभी टेस्ट माइलेज टेस्ट करा ही नहीं है भाई। अपन तो यहाँ से टंकी भरवाते हैं, उसके बाद खाली हो जाती है, दोबारा से भरवा लेते हैं, मुझे क्या पता भाई ये मतलब क्या एवरेज दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। तो भाई उस भाई ने मेरे को कहा, उसने कहा कि सुरेंद्र भाई आप जी माइलेज टेस्ट कर सकते हो, यदि 10 से अबाव देगी और 15 के बीच में समथिंग बता रहा है मतलब मुझे, तो भाई उसकी भाई आप सब्सक्राइबर है मेरा, उसने मेरे को कुछ बोला तो मेरा करना फर्ज बनता है। तो मैंने उसकी जैसे उसने मेरे को मैसेज करके बात बोली, तो मैंने उस भाई को कहा कि ठीक है भाई मैं कंफर्म करता हूँ, और आप यदि ये बोल रहे हो तो माइलेज टेस्ट करना है तो मैं माइलेज टेस्ट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और शायद हो सकता है भाई अपना सब्सक्राइबर भी सच हो और सच्चाई भी हो इस बात पे। तो मैंने उसी बात के ऊपर मैंने कंपनी में फ़ोन करा, और कंपनी में फ़ोन करके मैंने पूछा कि भाई मेरी ऐसे ऐसे स्कॉर्पियो है तो ये क्या एवरेज देती होगी, तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया मुझे, ठीक है। बट वो कह रही है जब शुरू शुरू में नई गाड़ी होती है उस टाइम इतनी एवरेज नहीं देती है, थर्ड सर्विस के बाद देते हैं। तो गाइज अपनी गाड़ी की थर्ड सर्विस भी हो गई, अभी कुछ दिन पहले ही अपने थर्ड सर्विस करवाई थी, ठीक है, तो अब थर्ड सर्विस भी हो गई है तो अब तो देनी चाहिए। तो गाइज मुझे भी एक एक तरीके का मतलब बहम सा है कि यार इतनी की एवरेज नहीं देती है, तो अपना भी बहम खत्म हो जाएगा और अपने सब्सक्राइबर ने जो बात बोली तो उसका भी काम पूरा हो जाएगा। तो अपन अपने आज स्कॉर्पियो करेंगे माइलेज टेस्ट, ठीक है। अब वो किस तरीके से करते हैं वो अभी से कभी गाड़ी में बाहर बैठा है तो उससे डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरीके से इसमें डीजल कैसे क्या फिल करवा के मतलब किस तरीके से इसका माइलेज टेस्ट ओरिजिनल सामने आए, उस चीज़ को मतलब करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ हमें भी डिसाइड करके आपको बताते हैं। ये अपनी खड़ी है थार और अपन चलेंगे अपनी स्कॉर्पियो लेकर। भाई थार का भी यदि माइलेज टेस्ट करना हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन अपने को अपना करना है आज स्कॉर्पियो का। तो ये अपना अभिषेक चला रहा है गाड़ी और अपन बैठते हैं साइड में। तो भाई अब अभिषेक से करते हैं कंफर्म कि किस तरीके से हमें ना माइलेज टेस्ट करनी चाहिए, मतलब क्या तरीका लगाना चाहिए जिसके अंदर रियल जो माइलेज है वो आए। तो अभिषेक भाई कैसे क्या करना चाहिए बताओ। भाई अब ऐसा करेंगे हम कि ना इसको टैंक फुल करवाएंगे, अच्छा, हिला हिला के फुल, उसके बाद में हम ट्रिप करेंगे जैसे 100 किलोमीटर। अच्छा, मतलब इसकी मीटर में से हम ट्रिप कर देंगे, ट्रिप कर देंगे इसको जीरो। अच्छा अच्छा, फिर जैसे चल के आएगी 100 किलोमीटर अपन इसको ट्रिप चलाएंगे, मतलब 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर 80 जो भी चलेगी, हाँ, जो भी चलेगी, उसके बाद से हम दोबारा इसका टैंक फिल करवाएंगे वैसे ही उसी तरीके से। अच्छा, इसको हिला हिला के पूरा, फिर जितने लीटर इसमें तेल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इसकी जो भाई कितना डला और क्या रेट है उसके अकॉर्डिंग, तो इसकी माइलेज निकल के आ जाएगी। तो गाइज अभिषेक का कहने का मतलब ये है कि भाई पहले हम चलेंगे पेट्रोल पंप पे और इसकी फुल टंकी करवा देंगे, मतलब कि एकदम पूरा हिला हिला के फुल टंकी करवा देंगे, उसके बाद में इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे भाई 50, 60, 70, 80 किलोमीटर या 90 जो भी किलोमीटर चलेगी, उसके बाद में फिर वापस हम पेट्रोल पंप पे आएंगे और इसको फिर दोबारा से फिल कराएंगे, तो उससे श्योर हो जाएगा भाई जितनी गई घूम के आए और इसको मीटर में से हम ट्रिप कर ही देंगे जीरो, मतलब घूम के आए हम मान के चलो 100 किलोमीटर चल गए, वापस आए और 10 लीटर डीजल डाला तो 10 की एवरेज हो गई, 8 डाला तो उसमें से उसका मतलब भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो आपके सामने आ जाएगा, रियल माइलेज टेस्ट आ जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका भी यही है, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले पेट्रोल पंप पे और इसकी फुल टंकी करवाते हैं हिला हिला के। भाई हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे और अब यहाँ पे करवाते हैं इसकी टंकी फुल और उसके बाद में फिर चलते हैं इसको लेके ट्रिप करके जीरो, आपको दिखाएंगे सारी चीजें, ठीक। टंकी खोल दे अभिषेक भाई, डीजल कर दे फुल टंकी, डीजल फुल टैंक। हाँ, क्या रेट है? 89 क्या है? हो गया जीरो, ठीक है। हाँ, तो गाइस ये अपनी हो रही है फुल टंकी, देख रहे हो, और जैसे इसकी फुल टंकी अब हो जाती है उसके बाद में देख लेते हैं भाई कितने लीटर क्या है इसके अंदर, और अपनी उसको कर देंगे जीरो। लो मैं पहले जीरो कर देता हूँ इसको, जो मीटर में ट्रिप है इसको कर देते हैं जीरो, एक सेकेंड। और ये इधर अपना शीशा साफ कर रही है, ये पेट्रोल पंप की अच्छी है यार, इनका सर्विस है ना,
तो इसको ये जैसे अपने ट्रिप भी 1170 आ रही है, आप देख रहे हो ना 1170। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो इसको अब कर लेते हैं जीरो, ये सामने आ गई है ट्रिप भी जीरो। ठीक है, और अब इसको यहाँ से अपन लेके चलेंगे और जितना घुमा के लाएंगे और फिर वापस जितना डीजल डलाएंगे तो आप समझ ही गए होंगे वापस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये अपना डीजल फिल हो रहा है, 2500 कुछ का डल रहा है, ये डल रहा है। करो भाई और करो भाई, इला इला के पूरा भरना है इसको, एक बार इला लेने दे थोड़ा सा, रुक जाओ, मतलब इसको पूरा फिल करना है ऊपर तक, ये देख लेना आप। ठीक है, इला अभिषेक, गैस वैस कहीं ना बननी चाहिए कुछ भी भाई, इस हिसाब से भर दे। हम ना आज इसकी माइलेज टेस्ट करनी है क्या एवरेज दे रही है। भाई तुझे क्या लगता है कितनी एवरेज देती होगी ब्रदर स्कॉर्पियो? भाई 15 दे देती है। अरे क्या बात है, 15 देना ही चाहिए, नई गाड़ी है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि नई गाड़ी इतनी एवरेज नहीं देती भाई, देना चाहिए। अच्छा ना 15 दे, फिर भी 12 तो देनी चाहिए। हाँ 12 देनी चाहिए, सही बात है। आज इसकी टेस्ट ही करके रहेंगे भाई, क्या देती है क्या नहीं देती पता नहीं। और इलावे सर भाई देख रहे हो, हमने इलाया ला के ना 200 रुपये का एक्स्ट्रा और भर दिया इसके अंदर। हाँ 12 देनी चाहिए, 12 देनी चाहिए ना, आज वही टेस्ट करेंगे भाई। 12 देती है, 11 देती है, 15 देती है। और इला भी से फुल कर दे एकदम फुल बस, और कर, और गया नीचे गया। गाइस देख रहे हो हिलाने से कितना फर्क पड़ जाता है, मतलब गाड़ी हिलाने से। ठीक है और कर भाई नीचे गया, अभी से बस चिल्ला, मतलब कोई दिक्कत नहीं। और कर, हो गया, और कर ना, और कर निकल जाए, लेकिन फुल होना चाहिए भाई, देख किसी तरीके का, बस रोक दे, हटा ले इसको। तो गाइज आप देख सकते हो ये फुल टंकी हो गई, यहाँ तक डीजल आ गया, दिख रहा है ना आपको अच्छी तरीके से, ये डीजल है। ठीक है, और ये यहाँ तक आ गया, और ये सेम ही अपन वहाँ से घुमाने के बाद में और फिर इतना ही दोबारा से डलवा लेंगे। और ये इधर आप देख सकते हो 3976 और 44 लीटर और ये 43 शायद मिली लीटर होता होगा वो। ठीक है, और ये रेट आप देख सकते हो अच्छे से। अब दोबारा से उसको हमने ट्रिप कर ही दिया था जीरो। ठीक है, तो अब चलते हैं और फिर उसके बाद में वापस यहीं पे डलवा लेंगे या फिर उधर साइड डलवा लेंगे, क्योंकि इधर आने की ना जगह नहीं है, देख रहे हो आप उधर डिवाइडर, तो उधर साइड में किसी पेट्रोल पंप पे डलवा लेंगे। तो गाइस ये अपन ने पर्ची निकलवा ली थी पेट्रोल पंप वाले से, इसके अंदर अपना तेल आया 44.43 लीटर और 3976 रुपये का ये डीजल डला है। ऊपर अपने गाड़ी नंबर आ रहे हैं 1233 और हम ना 80 से ऊपर मतलब इसको नहीं चलाएंगे। ठीक है, 80 की स्पीड चलाएंगे आप देख रहे हो, क्योंकि यार भाई जैसे अब हम 120-130 भगाएंगे तो किस हिसाब से एवरेज देगी, मतलब हमने फिक्स क्या करा है 80 से ऊपर इसको नहीं भगाएंगे कहीं पे भी। ठीक, और अभी से इसको ड्राइव करेगा क्योंकि ये फोकस कर लेता है पूरा ड्राइविंग में, तो इसको मैंने दे दिया तू ही चला भाई, तो ये चलाएगा इसको और 80 से ऊपर नहीं चलाएगा। और हम चलाएंगे जैसे भाई 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जितनी भी चलेगी, मतलब हमें कोई एक डेस्टिनेशन पे जाके वापस आना है, कोई काम से वहाँ जा रहे हैं हम, तो वहाँ से हम वापस आएंगे तो वापस यहीं पे मतलब कोई किसी भी पेट्रोल पंप पे हम डीजल डला लेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको भाई गुना भाग जो भी कर करा के और जो भी इसकी माइलेज आएगी वो आपके सामने ला देंगे, कोई दिक्कत। अपने चल गई भाई 11.8 किलोमीटर देख रहे हो, और हमने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है, उधर ऑप्शन भी आ रहा होगा क्रूज कंट्रोल का, वो देख रहे हो ग्रीन सच रखा है। ठीक, और 80 पूरी मेंटेन कर रहे हैं और NH8 पे चल रहे हैं, ट्रैफिक भी आज सुबह सुबह नहीं है और आराम से पूरा 80 मेंटेन भी हो रहा है, तो भाई एवरेज मतलब जो इसकी माइलेज एक ही नंबर के निकल के आएगी आज कि भाई ये क्या देती है। और वैसे इसके में चेक करके देखते हैं तो इसमें क्या दे रही है, भाई इसके अंदर दे रही है 16.1 किलोमीटर। देख रहे हो आज इसकी भी सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ है, इसके अंदर जो दिखाती है वो रियल होती है कि नहीं होती। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 16.1 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन भाई जो पता चले वो आज सामने आएगा, इसका भी पता चल जाएगा आज। देख रहे हो आप 26 किलोमीटर चल गई है। ठीक है, और अपन ने 80 मेंटेन कर रखी है, उधर वही क्रूज कंट्रोल लगा रखा है। ठीक है, और इसके अंदर एवरेज देखते हैं क्या हो गई है।
इसके अंदर 16.9 की दिखा रहे हैं, इसके अंदर बढ़ती जा रही है भाई। गाड़ी चल गई है 65 किलोमीटर आप देख सकते हैं, और 80 हमने मेंटेन कर रखी है वो की वो स्पीड। और अपना जो काम था डेस्टिनेशन पे जाके वहाँ पे अपना काम करके, और हम आ गए वापस, अब निकल रहे हैं घर की तरफ। तो अब जैसे पेट्रोल पंप यहाँ से 20 या 15 जो भी है वहाँ जाके वापस फिल कराएंगे, और इसके अंदर देखते हैं क्या एवरेज हो रही है। इसके अंदर भाई 13 हो रही है, अब कम हो गई, उस टाइम 16 दिखा रही थी। तो भाई अपनी गाड़ी चल गई है 96.9 किलोमीटर आप देख रहे हो, और स्पीड अब और भी 80 से कम ही कर रखी है, क्योंकि अभी ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ बॉर्डर के ऊपर। तो उस लास्ट वाले पेट्रोल पंप पे अपन डलाते हैं डीजल, और उसके बाद में फिर इसकी माइलेज करते हैं टेस्ट। तो गाइस अपन लगाते हैं इसके ऊपर, और आगे 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 लो बस। तो भाई अपन ये पहुँच गए पेट्रोल पंप पे, और ये 97.7 किलोमीटर आप देख रहे हो सामने, और ये इधर अपना डीजल अब डलवाते हैं इसके अंदर, डीजल अब फुल टंकी करवाएंगे आज अभी से भाई। यहाँ पे भी वही रेट आप देख रहे हो 89.20 के, हम भाई करेंगे डीजल अंकल से ही कर दें। जीरो से स्टार्ट कर दिया, चलो अंकल डालो, चलो आज इसके अंकल माइल लिए टेस्ट करना अपन, क्योंकि एवरेज दे रही है। हमने इसने हिला हिला के भर के लेके गया था पेट्रोल पंप पे, डालो डालो, इसने हिला हिला के डालो थोड़ा सा ना भाई, पर हिला दे अभिषेक, अच्छे तो नहीं हिला, धीरे धीरे जाने के पीछे। और भरो और भरो, फुल कर दो ऊपर तक, इसको मत देखो, ये तो कार्ड से पेमेंट करेंगे, आप इसको देखो। हाँ बस ठीक, तो भाई देख सकते हो गाइस अपने वापस उतना ही डीजल इसके अंदर करवा लिया, और इधर ये देख रहे हो मतलब 6.25 लीटर आया इसके अंदर 559 रुपये का। ठीक है तो अब देखते हैं, हमने वापस से फुल करवा लिया, और इसके 97.8 हो गए, मतलब कि इसमें सिर्फ दो ही कम है, तो इसको 98 कर लेते हैं। ठीक है, और इधर ये अपने ये इसमें डीजल में दिखा रहा हूँ कितना आया इसके अंदर भाई, 6.25 लीटर। ठीक है, 6.25 लीटर आया इसके अंदर, आप ये देख सकते हो। तो भाई अब इनको कर, तो 98 किलोमीटर ड्राइवन डिवाइडेड बाय 6.25 लीटर इज इक्वल टू 15.68। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो की 15.68 की माइलेज आई है, और जो मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था भाई वो ही सच निकला है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या था, मैंने जिस टाइम वीडियो बनाई थी उस टाइम इसकी तीसरी सर्विस नहीं हुई थी, इसलिए मैं बोलता था, और उस टाइम भाई 10-11 की समथिंग एवरेज देती थी, और भाई देख मैंने नापा भी नहीं था, तो वो वाली बात थी, लेकिन मेरी जो सब्सक्राइबर था उसकी वाली बात एकदम मतलब राइट निकली है। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो का हो गया माइलेज टेस्ट, और जो सब्सक्राइबर ने बोला था उस टाइप की मतलब सर्विस जो इसकी माइलेज वो निकल के आई है 15.68 किलोमीटर की, तो मतलब आप 15 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज लगा लो। ठीक है, तो भाई ये तीसरी सर्विस के बाद में 80 की स्पीड पे, देखो हमने 80 के ऊपर ही इसको टेस्ट किया है, उससे ऊपर हमें नहीं पता भाई 120 पे 100 पे क्या एवरेज देती होगी, हमने 80 के ऊपर टेस्ट कराया, तो 80 के ऊपर ये 15 की एवरेज दे रही है। तो इसके अंदर जो कंपनी क्लेम कर रही है वो भी ठीक पा रही है, मतलब कंपनी ने भी जो बात बोली थी वो एकदम राइट थी, और जो हमारे सब्सक्राइबर ने बोले वो भी बात एकदम राइट है, और अपनी स्कॉर्पियो दे रही है 15 की एवरेज। ठीक है, तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे दी एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आपको इस चैनल के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी।